अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैर हो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं और खैर हो आफियत से हैं। बस आप सबकी दुआ है। मैं यहाँ आज सुबह से बहुत परेशान थी। जैशू की तबीयत सही नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा फीवर थी और उसको लेके भी परेशान थी। तो सुबह मॉर्निंग के वक्त ही मैं डॉक्टर के चक्कर लगा रही थी। उसके बाद मैं आके अब मैं अपने घर के जो काम कर रही हूँ मैं आपको डेली रूटीन में दिखाती हूँ। बस आप सब दुआ करिएगा कि मेरी बच्ची की तबीयत अच्छी हो जाए। नहीं मारते बेटा, जैसे नहीं मारते, नहीं मारो, नहीं मारो, आ जाओ आप, आ जाओ, नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ, नहीं नहीं मारो, नहीं मारो। अच्छा आप सो जाओ, चलो चलो, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा सो जाओ। बस अभी मेडिसिन मैंने इसे दे दिया है, अब अच्छे से सो जाओ मेरा राजा, मेरा बच्चा। हंसी भी नहीं आ रहा आज तो। चलो सो जाओ। अब इस मेरे बच्चे को, इसकी भी तबीयत सही नहीं है। एक उसको लेके मैं परेशान थी, अब इसकी भी तबीयत ऐसी हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमने चुटकी भर राई, यहाँ पे टमाटर, यहाँ पे मैं चावल ऐड कर रही हूँ, लाल हो रही है, उसके बाद मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, हल्दी, नमक ले लिए, सारे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। बस यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ, पानी ऐड करने के बाद में बस ढक्कन लगा कर दो सीटी लगेगी, उसके बाद मैं इसे निकाल के देख लूँगी। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे खाना बनाने के साथ साथ मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ ताकि फटाफट हमारा काम हो जाए। इस तरफ से यहाँ पे मैंने सब्जी कट कर लिया, ऐसे कटे रहते हैं ना, बच्चे खा लेते हैं टमाटर, वरना नहीं खाने मांगते। सब्जी बना रही हूँ मैं, और यहाँ पे ऑयल हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है, और इस पर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ बघार के लिए, और चुटकी भर सौंफ डालेंगे। इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, सबको नहीं आती होगी बट हमारे घर में अच्छे लगते हैं सबको, इसलिए मैं ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, प्याज हल्के ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी। और फिर आप सब वीडियो में बने रहे हो, देखते रहे। यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, और अदरक लहसुन भी हमने ऐड कर लिया, और ये हल्दी, धनिया और एक चम्मच मिर्ची पाउडर, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला इसलिए ताकि मसाला ना जले, अच्छे से भून लें। और हमने टमाटर भी ऐड कर लिया है। बस यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और ये सो कर उठ गई थी मेरी जान, तो इसे मैं गोद में लेके मैं काम कर रही हूँ। और ये यहाँ पे मसाला हमारा बस अच्छे से भून चुका है, और मैं सब्जी ऐड कर रही हूँ। बस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद पानी ऐड कर लिया है, और थोड़ी देर के लिए मैं ढककर रख दूँगी। और फिर यहाँ पे हमने चावल और मूंग की दाल, मसूर की दाल, खिचड़ी के लिए हमने धोकर भिगो के रखा था। यहाँ पे जैशु की मैं फीवर देख रही हूँ, वो उसकी मैंने उसे मेडिसिन दिया था तो फीवर उतर चुकी है, वही मैं चेक कर रही थी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम हो चुके। मुश्किल से इसे मैं यहाँ पे खड़ा करके मैंने खाना खिलाई हूँ, वरना कल दोपहर का खाना खाई थी और रात में भी इसने बहुत वॉमिटिंग करी थी, तो अभी मुझे बहुत परेशानी हो रही थी इसे खिलाने में। जैशु चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा खेल रहा है अभी ना शोनो। और यहाँ पे हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे थोड़े से चिकन पड़े थे तो मैं उसे फ्राई करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला पीसी भी हमने डाले हैं और फूड कलर डाले हैं, और इस पर बेसन थोड़ा सा ऐड करूँगी। बस थोड़े थोड़े मसाले मैंने सारे ऐड कर लिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है। बस हमारी ये ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुकी है, अगर आपको पता ना चले कि गर्म हुई है कि नहीं, थोड़ा सा इस तरह से देखिए डाल के।
आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। इससे पहले मैंने एक गलती करी थी, जब मैंने इस पर बेसन ऐड किया था तो मैंने इस पर ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, उसकी वजह से बेसन बिल्कुल बिखर चुके थे तो हमारे चिकन अच्छे से नहीं फ्राई हुए थे, चिकन अलग हो गए थे, बेसन अलग हो गए थे। बट इस वक्त मैंने क्या किया, इस पर ऑयल मैंने ऐड किया है तो उसकी वजह कर आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये हुए, देखो बिल्कुल भी बिखरे नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी बनके तैयार है। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ से मैं निकली, फिर ये राशन में लेकर आई हूँ क्योंकि ये दाल ख़त्म हो चुके थे तो मुझे बच्चों के लिए खिचड़ी के लिए तो चाहिए होता है, तो इसलिए मैं साथ ही साथ लेकर आई हूँ। फिर बाद में फिर मुझे बाजार निकलने में बहुत मुश्किल होती है, तो चलो मैं इसे कट करके इसमें डाल देती हूँ, डब्बे में स्टोर कर देती हूँ। ओके कुछ फ्रूट्स मैंने बच्चों के लिए कट किए हैं तो ये मैं उसे देने जा रही हूँ। किलो खा लो, है ना, पूरा फिनिश होना चाहिए, ठीक है। जैशु आपको खाना है, देखो वो खेल रही थी हाँ, और जैसे मैं लेकर आई हूँ फौरन वो भागते हुए बेड पे आ गई है, माशाल्लाह। बस अभी थोड़ी इनकी तबीयत सही है, बट मुझे अभी इनकी खाने पीने में पूरा ध्यान देना है, ये शाम का वक्त हो रहा है। जैश्यू पिलो पिलो ये अभी मैं शाम के वक्त में नारियल पानी पी रही हूँ और जैश्यू को देख लीजिए, ये मस्ती करने चली गई। आप पी पाओगी जैसे, आपको पीना है हाँ, पीना है आपको, लाओ मैं पिला देती हूँ। आज मैंने ये रोटी बनाई है, जैसे की तबीयत खराब थी और अम्मी भी उसको लेके परेशान बहुत थी तो मैंने बना ली रोटी। अभी ये रोटी को भी मैं बेलता हूँ, और ये मेरी गोद में है आप देख सकते हो। जैश हंसने जल्दी पकड़ो उसके, अब थोड़ा सा क्या बात है, आज हसनैन कुकिंग कर रहे हैं ना तो देखो ये किचन की हालत इसने क्या करके रखा है, कितने सारे मेयोनीज, टमाटर सॉस, उसके बाद गार्लिक सॉस, सब कुछ यहाँ पे बिखेर के उसने रखा है। और ये क्या करने को निकाले हो, कैप्सिकम टमाटो क्या करोगे आप, इसका काटूंगा। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं, आज हस्बैंड कुकिंग कर रहे हैं ना बेटा, क्योंकि जश की तबीयत खराब है, ये मुझे कुछ भी करने नहीं दे रही है, मेरी गोद में चढ़ी हुई है। वाह माशाल्लाह, सच में बहुत प्यारा रोटी बनाई है, देखो बिल्कुल गोल है ये, बस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, क्या बात है। अब चलो घी लगा दो, करो मैं इसको पराठा नहीं बनाऊंगा, ठीक है आप जो भी बनाओ, चलो ऐसे ही रख देता हूँ, देखो अपने हाथ बचा के, चलो ठीक है, अभी घी मत लगाओ, इसको थोड़ा सेक लेंगे उसके बाद, ठीक है। मम्मी ये चाकू में धान नहीं कट हो रही है। अच्छा यूँ कहते हैं ना, इसी चाकू से मेरे हाथ कटे थे, है ना, वो मुहावरा होता है ना, एग्जाम्पल देते हैं ना, नाचना ना आए आंगन टेढ़ा, आपने इसको कट करके देखो, हाँ वहाँ पे कट करके नाचना ना है आंगन से, आंगन टेढ़ा ही बना। आज हसनैन की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखो क्या क्या कर रहे हो, चिल्ली सॉस, गार्लिक सॉस इतना ज़्यादा डाले हो, खा पाओगे ना, चलो ठीक है। अब ये डाल रहे हो टमाटर सॉस, ठीक है,
क्या बात है, अब तो मेरा हस्बैंड बड़ा हो गया ना, मम्मा को भी बना के खिला सकते हो क्यों बेटा? हाँ है ना, हल्का सा टोमेटो, कैप्सिको, हल्का सा कैप्सिको, बराबर बराबर, और फिर इसको अब रोस्ट नहीं करेगा, अभी ऊपर से रोलिंग 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 मिक्स नहीं करोगे? हम इसमें टूथपिक लगाने वाले हैं।